हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी द्वारा लिखा गया है। अनुग्रह और शांति, जैसा कि दूसरा पत्रस अध्याय 1 उसकी 2 आयत में लिखा, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। इसका मतलब है कि अनुग्रह और शांति बढ़ सकती है। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, पर आप उनसे कितनी शांति लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर उसके लिए आपको परमेश्वर को पहचानने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर को प्रायोगिक रीति से पहचानते हैं तो आपको यह पता होगा कि नहीं, आपने नशा नहीं करना है। फिर जब आप किसी के घर में ठेके पर काम कर रहे हैं तो 4 दिन के काम के लिए 40 दिन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आपको प्रभु यीशु मसीह की पहचान नहीं है। जब परमेश्वर की पहचान होती है तो फिर आप धोखा नहीं देते हो और जो है वह सीधा मुंह पर ही बोलते हो। जब आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हो तो परमेश्वर व्यापार से पैसा कमाने का अनुग्रह देते हैं। उसने कहा कि जब परमेश्वर की पहचान आप में बढ़ेगी तो अनुग्रह और शांति बढ़ेगी। आज अगर चर्च के 1,00,000 लोग हैं और इस संख्या को बढ़ाने के लिए मुझे अनुग्रह चाहिए, क्योंकि सेवा अनुग्रह के द्वारा होती है। आज बड़े बड़े वरदानों वाले लोग हैं पर फिर भी उनकी चर्च नहीं बढ़ती, क्योंकि उनको साथ में अनुग्रह भी चाहिए। बाइबल में लिखा है अनुग्रह और शांति तब बढ़ेगी जब पहचान बढ़ेगी। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की पहचान आप में बढ़ जाएगी और आप उसको अधिक से अधिक पहचान जाओगे और अपने प्रायोगिक जीवन में लागू करोगे तो अनुग्रह और शांति बढ़ेगी। अगर अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ा तो आपका जीवन सामान्य नहीं रहेगा। आपका चर्च अपने आप बढ़ जाएगा, व्यापार अपने आप बढ़ जाएगा, बच्चे अपने आप पश्चाताप कर लेंगे, शांति अपने आप बढ़ जाएगी, हर चीज अपने आप होगी। फिर इस तरह आप आशीषित होंगे और फलदार होंगे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपकी पहचान में बढ़ता जाऊँ ताकि अनुग्रह और शांति मुझ में बढ़ती जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।